मारूफ आलम दीन और रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद अमीन इंतकाल कर गए। मुफ्ती मोहम्मद अमीन के बेटों में मोहतमिम जामिया अमीनिया रिजविया गुलजार मदीना मोहम्मदपुरा इलामा सईद अहमद असद मोहतमिम जामिया रियाजुल उलूम खिजरा मस्जिद मुफ्ती करीम सुल्तानी मोहतमिम मोहम्मदपुरा कारी मसूद हसान शामिल हैं। इलामा सईद असद ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते कहा कि वो वलीउल्लाह थे, हमेशा दीन इस्लाम की बात की। अल्लाह के वली थे, दुरूद शरीफ से बड़ी मोहब्बत थी, दौरान इसबाक भी आपने दुरूद शरीफ नहीं छोड़ा और कल वो आज वो हम सबको रोता हुआ छोड़ के अपने अल्लाह की बारगाह में चले गए। मुफ्ती मोहम्मद अमीन का जज्द खाकी इनकी रिहाइशगाह मोहम्मदपुरा पहुंची तो अकीदत मंदों का तांता बंद गया। इस मौके पर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के डिवीजनल अमीर मियां अकमल हसन का कहना था, मुफ्ती मोहम्मद अमीन की जुदाई से पैदा होने वाला खलाब पूरा नहीं हो सकता। अलामा सईद अहमद असद साहब जो कि सरपरस्त आला हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसलाबाद के, उनके वालिदे गिरामी यादगार असलाफ जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फकीहुल असर किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब का जो इंतकाल हुआ है, ये उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद अमीन की नमाज जनाजा कल 1 बजे दोपहर धोबीघाट ग्राउंड में अदा की जाएगी, जिसका बाकायदा ऐलान मौलाना सईद अहमद असद ने किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर फैसलाबाद।